जनपद संभल की चंदोसी में पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको बता दी कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी का है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा पहुंची नगर कार्यालय। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा ठोको नीति पर काम कर रहे हैं, इसका जवाब जनता उन्हें 2022 में होने वाले चुनाव में देगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात साफ है ना कि चुनाव की तारीखों की भी घोषणा हो गई है और अब हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नंगा नाच किया है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उसके साथ जुल्म सितम, महिलाओं को किस तरीके से इन्होंने असुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा की, इन सब चीज़ों को कुछ जनता को भी मालूम है, आपको भी मालूम है। उन्हीं के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को ये दिशा निर्देश दिए थे कि आम जनता के साथ जाके जुड़े, उनकी समस्याएं सुने और उनको इस बात का आश्वासन दिलाएं, भरोसा दिलाएं कि 2022 में हमारी सरकार भी बन रही है और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो उसी क्रम में, क्योंकि पिछले कई महीनों से दौरे चल रहे हैं, उसी क्रम में आज जुड़े चंदौसी आना। एक योगी जी का जो स्टेटमेंट आया जिन्होंने कहा 18 और 20, क्या मतलब है उनका कहने का? देखिए, उनके स्टेटमेंट्स का मतलब तो वो बेहतर जान सकते होंगे, क्योंकि जिस दिशा में वो सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में सोच रही है, वो निश्चित तौर पर देश की जनता को, प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचाने वाली है। इन्होंने पिछले बार कुछ दिनों पहले महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की थी कि महिलाओं को पुरुषों ने चौराहों पर बिठा दिया है, और फिर वही पार्टी जो सत्ता में आती है और फिर नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वही पार्टी जो मुस्लिम महिलाओं को खासकर 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के वादे और वो करती है, और उसके बाद भी वो महिलाओं के लिए इतनी असम्मान की भावना रखती हो, जिसके कार्यकाल में एक दलित बेटी की निर्मम हत्या होती है, बलात्कार होता है, और उसके बाद उसकी हिंदू रीति रिवाज के अपोजिट जा करके और रातों रात उसका क्रियाक्रम करा दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाबा कुछ भी बोलें, वो ठोको नीति पर चल रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश की जनता है उनको 2022 में जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है।